तारीख भी लग गई है, फाइल भी हो गया है, ठीक है, तू करा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बाबूपुरा पुलिस ने दे दी ना, बेटा तेरे को पानीपत बुलाऊंगा और पानीपत सोच समझ के आना, ये मैं बता रहा हूं तेरे को, पानीपत आएगा ना तो पानीपत सोच समझ के आना कि मुझे कोर्ट में क्या जवाब देना है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर कानून से कानून चलता है, फर्रे मारने से नहीं चलता, झूठ बोलने से नहीं चलता, समझ गया। अब बात करते हैं, क्योंकि आज सीमा हैदर ने पर्सनल अटैक नहीं किए तो मैं भी इसके ऊपर आज पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि वो आज कुछ सूत में आई है, सिद्धि चली आज, तो उसने पर्सनल अटैक नहीं किया, इसलिए मैं भी पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। उसने जो बात कही है उस बात का सिर्फ जवाब दूंगा। इसने पूरी रात जब मैंने कहा कि अगर तू सच्ची सनातनी बनती है तो मेरा लाइव खत्म होते ही हनुमान चालीसा पढ़ के सुना, तो बंदी मेरा लाइव खत्म होते ही नहीं आई, पूरी रात रट्टाफिकेशन करी है इसने हनुमान चालीसा की, पूरी रात रट्टाफिकेशन करने के बाद फिर कल आज 4 बजे 4 लाइनें मुश्किल से याद हुई है जो इसने पढ़ के सुनाई है। मैंने लाइव में कहा था कि मेरी लाइव खत्म होते ही सुना, और ये पूरी रात रट्टाफिकेशन करा कि ये तो बेइज्जती होगी। सचिन ने भी कहा याद कर, पूरी रात नहीं सो पाई, और लाइव में भी कह रही है कि मुझे नींद नहीं आई। तो रात को पूरा रट्टाफिकेशन करा इसने और 4 बजे 4 लाइनें इसने सुनाई। मैंने कहा था लाइव खत्म होते ही आ। अब ये कह रही है कि हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा को हनुमान चालीसा नहीं कह रही, हनुमान चालीसवा बोल रही है। अरे ये तो सीख ले, अरे तुझे ये पता होना चाहिए, तू नई नई जो ना अपने आप को कहती है कि मैं बनी हूं, तो ये तो सीख ले कि हनुमान चालीसवा नहीं होता, हनुमान चालीसा होता है। ये भी तुझे किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, मैं मोमडन हूं फिर तुझे बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा होता है, चालीसवा नहीं होता। चालीसवा तो जब कोई मर जाता है मुसलमानों में, उस वक्त चालीसवा करते हैं। अब तू कह रही है कि जी जनाब मैं तो हिंदी में याद नहीं कर सकती, हिंदी बहुत बड़ी है, हिंदी बहुत मुश्किल है, तो तू इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में तो पैदा हुई है ना, वहीं बड़ी हुई है, वहीं तेरी शादी हुई है, वहीं 4 तेरे बच्चे जन्मे हैं, तो वहां तो उर्दू जबान बोली जाती है, अरबी में पढ़ा जाता है, तो तू मेरे को कलमा सुना के दिखा, चल तू यहां के सनातनी बन गई, तू कहती है मैं 4 साल पहले जो है पाकिस्तान में सनातनी थी और मेरे बच्चे भी सनातनी थे 4 साल से, तो तू मेरे को ये बता कि भाई तू उर्दू और अरबी जानती है, तो तू उर्दू अरबी तो आसान है हिंदी से, तो तू मुझे ये बता, तू कलमा पढ़ के सुना, चल बता। अब तक तो पूरी उम्र तू मुसलमान बन रही है, अब कहती है मैं सनातनी होगी, तो कलमा पढ़ के बता दे चल। वो तो तू आसान पढ़ सकती है, वो तो हिंदी नहीं है, तू वो भी नहीं पढ़ सकती, तू कलमा भी ठीक से नहीं पढ़ सकती, तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। अब ये कहती है जी मैं सनातनी बन गई, तो जो ये सनातनी बनी है वो सनातनी का मैं सबूत दिखा देता हूं कि कौन कह रही है मैं 4 साल पहले वहां सनातनी बन गई और मेरे बच्चे भी वहां सनातनी बन गए, तो मैं उसका सबूत दिखा देता हूं। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। पुलिस ने सचिन को ये भी लिखा उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कि ये तथा कथित पति है सीमा हैदर का, यानी कि डाउटेबल, जिसको पति नहीं कहा जा सकता, तथा कथित, और इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज है। तो अब कोर्ट में वो रिपोर्ट आ गई और आने के बाद उसमें 4 तारीख लगी हुई है, जो आने वाली 4 तारीख है, अब मई जून 4 जून को कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। तो जब 4 जून लगी हुई है तो आज ऑर्डर कैसे हो गया भाई? आप झूठ की दुकान चला रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए, अमेरिका से ये आएगा। अरे भारत की एजेंसी, भारत की पुलिस, भारत का महकमा क्या सक्षम नहीं मानते आप? भारत की पुलिस भी सक्षम है, भारत की एजेंसियां भी सक्षम है, भारत की कोर्ट भी सक्षम है, और पुलिस डिपार्टमेंट भी सक्षम है, तो अमेरिका से क्या आएगा भाई? निरी गुमराह करता है लोगों को।
पता नहीं कैसा दिमाग हो गया, इस उम्र में तो दिमाग और अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि वकील का दिमाग जितना वो तजुर्बेकार होता है, जितना समय गुजरता जाता है, उसी हिसाब से वकील जो है वो चंट होता चला जाता है, तेज होता चला जाता है, क्योंकि उसका तजुर्बा बोलता है। और ये कैसा तजुर्बा है इसका, फर्जी एफिडेविट लगा रहा है, सचिन से पूछ लेता कि पहले एफिडेविट में क्या था, उस कंप्लेंट में फर्जी एफिडेविट लगा दिया। जब पुलिस ने इसकी दबाव को नहीं माना, पुलिस ने जांच ठीक करके कोर्ट में दे दिया, तो जनाब अब कह रहा है जी अमेरिका जाओ। अब इससे ए पूछोगे जेड जवाब देगा, जेड पूछोगे ए जवाब देगा। तो इसकी बात का कोई जितनी भी बात है वो सब बेकार है, लोगों को गुमराह करता है। अब ये कहता है कि जनाब सनातन धर्म का मोमिन मलिक ने अपमान किया। तो भाई ये देखो, मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के ऑफिस के अंदर, चैंबर के अंदर वो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और मेरी सीट के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि मेरा नाम बजरंगी भाईजान पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो मेरे चैंबर के अंदर है, वो चैंबर के अंदर मेरा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। गौशाला भी चलाता हूं बिना लॉस के, किसी से दान नहीं लेता, जो हमारे भाई हैं जो आपस में करते हैं वही उसी पे चलता है। तो आप ये देखिए कि ये मुझे कैसे कह सकता है, आप इस चीज को देखिए, ये मुझे कैसे बोल सकता है कि भाई हमने सनातन का अपमान किया, जबकि हम तो सनातन धर्म की इज्जत करते हैं और सनातन धर्म को बड़ा आदर और सम्मान देते हैं। तो इसने अपनी कंप्लेंट में ये दिया कि सनातन धर्म को मोमिन मलिक जो है वो बदनाम कर रहा है। तो आप देखिए कि हम सनातन धर्म को कैसे बदनाम कर रहे हैं, ये भी इसका झूठ का आपके सामने जल्द ही पर्दा फाश हो जाएगा। इसकी ये भी नहीं चली कि सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहा है। उसके बाद जनाब पहुंच गए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर के एप्लीकेशन लेके, और एक लोकल सा चैनल, तमाम कोई बड़ा चैनल तो आया नहीं, तो वहां जाके कहने लगे हमने मोमिन मलिक के खिलाफ ये कर दिया, इलेक्शन खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई मोमिन मलिक इलेक्शन नहीं लड़ रहा, ना एपी सिंह लड़ रहा, ना सीमा हैदर लड़ रही, ना सचिन लड़ रहा, तो हमने आचार संहिता का वायलेशन कैसे कर दिया, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया गृह मंत्रालय, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। फिर ये पहुंच गया साइबर क्राइम, इसकी वहां भी दरखास्त नहीं चली। ये पहुंच गया पुलिस स्टेशन, इसकी वहां भी दरखास्त, इसके जहां जहां इसने झूठी कंप्लेंट दी, बार काउंसिल में दे दी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दरखास्त दे दी, आनंद फानम में, इसकी कोई दरखास्त नहीं चली, कहीं से कहीं तक भी नहीं चली। आखिरकार अब ये नए नए ड्रामे करने लगा। आज इसका मुंह देखो इतना सा हो रहा है, बिल्कुल इतना सा, कोई चेहरे पे हंसी नहीं, ऐसा हो रहा है जैसे अब रोया, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा आप काम क्यों करते हो जिससे आपको आपकी इज्जत खराब हो, जिससे लोग आप पे उंगली उठाएं, जिससे आपकी रोने जैसी शक्ल हो जाए? आप अच्छे काम करो, आप गलत काम क्यों करते हो, गलत काम का साथ क्यों देते हो? जब आप गलत काम का साथ दोगे, सच्चाई का साथ नहीं दोगे, झूठ के साथ खड़े हो जाओगे, तो आपकी बेइज्जती तो अपने आप होगी। अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो मेरी भी होगी, वो तो कोई भी करके देख लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अब ये कहता है जनाब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई मेरे को एक बात बताओ कि एक साल से जब से सीमा भारत में आई है, इलीगल तरीके से हेमंत ने उसकी बेल करा दी, आप तो उसके वकील भी नहीं थे, आप तो रोज चैनल पे चार चार पांच पांच चैनल लेके उसके घर पहुंच जाते थे कि भाई नए नए इंटरव्यू देते थे कि मैं वकील हूं, जबकि आप उसके जो स्टेट केस जिसमें जमानत हुई है उस मामले में आप वकील भी नहीं थे, हेमंत प्रासर उसमें वकील था। तो आप तो रोज बाइट दे रहे हो, घंटे घंटे बैठ करके नए नए चैनल लेके जा रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, आज ये प्रोग्राम कर रहे हो, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे हो, वहां भी चैनल लेके पहुंच रहे हो। एक साल से टीआरपी के चक्कर में, सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में, पब्लिसिटी के स्टंट के चक्कर में
आप घंटों घंटों जो है मीडिया पे बैठे रहते थे, सोशल मीडिया पे बैठे रहते थे, सारे चैनलों पे बैठे रहते थे, उस वक्त आपको साइबर क्राइम का टेररिज्म नहीं दिखा आपको? जब एक पाकिस्तानी इलीगल महिला के साथ आप घंटों घंटों चैनल पे बैठे रहते थे, घंटों घंटों नए नए चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे आप बाइट देते थे, इंटरव्यू देते थे, उस वक्त आपको नहीं दिखाई दिया? आप इसको एक तरफ समझाते थे सीमा को, आपकी वीडियो वायरल हुई, कि अगर आपसे आईबी पूछे तो ये कहना, अगर आपसे रा पूछे तो ये कहना, अगर आपसे एटीएस पूछे तो ये कहना, अगर आपसे पुलिस पूछे तो ये कहना। वो वीडियो भी दुनिया ने देखी है, सभी ने देखी है ना वो वीडियो, एपी सिंह की वायरल हुई वो वीडियो, उसमें गुमराह कर रहा है। यानी कि हमारे देश की एजेंसी अगर सीमा से, हमारी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर सीमा से कोई पूछताछ कर रहा है, तो ये सीमा को गुमराह कर रहा है कि ये पूछे तो ये बोलना, ये पूछे तो ये बोलना। आईबी अगर पूछती है, रो अगर पूछती है, एटीएस अगर पूछती है, पुलिस अगर पूछती है, तो आपको ये बोलना है, ये बोलना। तो आप तो देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी तो आप कर रहे हो। जो देश की एजेंसीज हैं उनको राइट है कोई भी सवाल करने का, वो मेरे से भी कर सकते हैं, वो इससे भी कर सकते हैं। जो इलीगल भारत में आई है चार बच्चों को लेके, वो उससे भी सवाल कर सकते हैं। और आप उसको इन्वेस्टिगेशन में गुमराह करा रहे हो, आप मिसगाइड कर रहे हो, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए एक पाकिस्तानी इलीगल लड़की क्या, एक औरत चार बच्चों की मां, वो मायने रखती है, क्योंकि उससे आपको शोहरत मिल रही है, टीआरपी मिल रही है, उससे सोशल मीडिया से कमाई हो रही है, वो आपको ठीक लग रही है। भारत की सुरक्षा आपको ठीक नहीं लग रही, भारत की एकता अखंडता आपको ठीक नहीं लग रही, और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जो आंतरिक सुरक्षा है वो आपको गलत लग रही है, उसको आप ताक पे रख रहे हो, उसको समझा के आप देश की एजेंसीज को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो कौन कसूरवार है? आप हुए ना कसूरवार। आपको देश की परवाह कहां है? आपको देश की चिंता कहां है? आपको चिंता नहीं है। और इल्जाम हमारे पे लगा था जनाब सोशल टेररिज्म कर रहे। अरे भाई, हम टेररिज्म करते, हमारे पास फंडिंग कहीं से होती, या गलत कोई हम होते, तो हमारे देश की एजेंसीज इस चीज से क्या बेखबर थी? हम बाहर घूम रहे होते हैं, हम वकालत, और कोई वकील कोई टेररिस्ट हो सकता है क्या, जो फाइल लेके कोर्ट में जाए कि जनाब मैं टेररिस्ट हूं और मेरी यह केस है, आप ये केस सुनो मेरा? कोई टेररिस्ट आज तक कोर्ट में जाता देखा है बंदूक लेके, कोई फाइल लेके जाता देखा है? टेररिस्ट तो गन लेके जाते हैं या बम लेके जाते हैं। अगर हम टेररिस्ट होते तो 3 महीने से हम इस केस में है, 3-4 महीने होने जा रहे हैं, तो अगर हम टेररिस्ट होते तो तेरी इतनी हिम्मत थी, तू पिशाब कर देता पेंट में अगर हम टेररिस्ट होते तो, अब तक तो तेरा राम राम सत हो जाता अगर हम टेररिस्ट होते तो। और तेरी सीमा आ रही है, सचिन में इतनी हिम्मत थी, अगर हम टेररिस्ट होते तो इतना बोल जाते? कोई नहीं बोलता, तो कम से कम बोल के दे। अब रबुपुरा की पुलिस ने तुम्हें आईना दिखा दिया, तुमने हमें टेररिस्ट कहा, गुलाम हैदर को टेररिस्ट कहा, भारत के यूट्यूबरों को टेररिस्ट कहा, जांच कर ली ना, जांच सामने आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना, इलेक्शन कमीशन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, नहीं कर दिया? और जो साइबर क्राइम की जो तू बात कर रहा है, साइबर की बात कर रहा है, साइबर सेल की, तो वो भी तो तुझे जानते हैं कि तू कौन है, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या अहमियत है भारत में, समाज के अंदर तेरी क्या रेपुटेशन है, वो साइबर क्राइम वालों को पता नहीं है क्या कि देश में निर्भय बहन के साथ बलात्कार हुआ था चलती बस के अंदर, और सारा देश एक तरफ खड़ा था, यो एक तरफ खड़ा था, ये देश के अंगेंस्ट खड़ा था, ये सुप्रीम कोर्ट के अंगेंस्ट, ऑर्डर के अंगेंस्ट खड़ा था ये बंदा, जब नहीं दिखाई दिया क्या? साइबर क्राइम वाले जानते नहीं है क्या? साइबर क्राइम वाले को मेरे बारे में नहीं पता है क्या, या सचिन के बारे में नहीं पता, या सीमा के बारे में नहीं पता? उनको सब पता है, समझ गया? तू अमेरिका से मंगवा ले, तू ईरान से मंगवा ले, भूटान से मंगवा ले, तू दुनिया के किसी देश से जांच मंगवा ले, समझ गए? हमने अपने देश की आन बान शान के लिए एक सेकंड में अपनी गर्दन कटवा के रख सकते हैं। भारत माता के तेरे की तरह हम गुमराह नहीं करते,
कि आईबी पूछे तो ये बोलना, रा पूछे तो ये बोलना और एटीएस पूछे तो ये बोलना। हमारे लिए देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पहले है, हमारे देश भारत के लोग पहले है, यहाँ की जनता पहले है, बाद में है सारा कुछ। अब आगे कहता है कि कार्रवाई की जाएगी, साइबर क्राइम अरेस्ट किया जाएगा, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखा जाएगा, ये होगा वो होगा। शुक्र है तूने ये नहीं कहा कि पहले फांसी होगी बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी। तेरा कुछ नहीं पता, तू क्या कह दे। तू ये भी कह सकता है कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए और पहले फांसी होगी और बाद में जांच होगी, ये भी कह सकता तू। तेरा कोई तेरी जुबान के आगे मैदान है। अच्छा ये है, अब तुझे बुढ़ापा आ गया भाई, तू अपना आराम से अपनी वकालत कर, ये फालतू के फंडे छोड़ दे और लोगों को गुमराह करना छोड़ दे। एक साल तक तूने बड़ा गुमराह किया लोगों को, अब गुमराह नहीं होने देंगे। अब मोमिन मलिक सामने आ गया है, देश की जनता को जागृत कर दिया है और देश की जनता पहले से जागृत है और तेरे झूठ का हर पर्दा फाश कर दिया है। तो झूठ मत बोला कर। 4 तारीख लगी हुई है इस केस में, जिस केस में इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेन डाली है उसमें 4 तारीख लगी हुई है। अब तेरी तो 4 तारीख लगी हुई है, हमने क्या किया आज ये बताते हैं तेरे को। ये देखो हमने आज क्या किया, हमने आज डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, ऑनरेबल कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराई है और ऑनरेबल कोर्ट ने हमें इस मामले में अपनी गवाही और तमाम वीडियोस जो हमें इसने आस्तीन का सांप कहा था, हमें टेररिस्ट कहा था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कहा था, हवाला का पैसा कहा था और तमाम हमारे ऊपर जो गलत इल्जाम लगाए थे, हमारी रेपुटेशन को खराब किया था, हमने इसको 15 करोड़ का नोटिस दिया था। तो आज हमने इस पे 15 करोड़ रुपए का मानहानि का केस, क्रिमिनल केस हमने इस पे फाइल किया है। ये आप देख सकते हो, आपको बता देंगे ये धारा भी है और ये सारी सेक्शन इसके अंदर लिखी हुई है। मोमिन मलिक एडवोकेट एपी सिंह सनोप ओपी सिंह और किन किन धाराओं में, एपी सिंह इनके पिताजी का नाम आदरणीय श्री डॉक्टर ओपी सिंह और ये रहने वाले हैं दिल्ली के, दिल्ली का एड्रेस है। इनके खिलाफ हमने 499 500 153 ए 295 ए 292 और 499 500 501 500 506 और 120 बी के तहत जो हमने कंप्लेंट फाइल की है, ये देखो